अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों का खौफ इस कदर सामने आने लगा है कि भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर में दर्शन करने आई उत्तर प्रदेश की हापुड़ की जिला प्रमुख के गार्ड से 3 बदमाश बंदूक छीनकर फरार हो गए। सुरक्षा गार्ड ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। भिवाड़ी में अपने मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग के मामले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज 3 बदमाशों ने एक ASI की बंदूक छीनकर भिवाड़ी पुलिस को चुनौती दे डाली है। मामला भिवाड़ी के मिलकपुर गांव में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर का है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बाबा के दर्शन करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी बीती रात अपने परिवार व सुरक्षा कर्मी के साथ भिवाड़ी आई थी, जहां आज सुबह मंदिर में दर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का ASI उनकी सुरक्षा के लिए तैनात था, लेकिन बदमाशों ने सुरक्षा कर्मी की ही बंदूक को छीन लिया। गनमैन की गन छीनने के बाद तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर भाग निकले। वहीं मामले की जानकारी के बाद भिवाड़ी पुलिस हरकत में आई और जानकारी जुटाने में लग गई। हालांकि इस वारदात के बाद कई घंटों से भिवाड़ी पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मैं जो है जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रेखा नागर का धरना चल रहा था और यहाँ लगभग रात्रि 10 बजे आए थे पूजा अर्चना करने, और सुबह पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद पति श्री प्रमोद नागर ने मुझे बताया कि गाड़ी गेट पर लगा हुआ, तो मैं गाड़ी पैक करवा रहा था और मेरे कंधे में 9mm कार्बाइन जो मुझे दी गई थी वो लटकी हुई थी, तो पीछे से 2 लड़के आए, उन्होंने मेरी कार्बाइन इतने झटके से ठोस कर भागे, पीछे से मैं उनके पीछे भागा हल्ला मचाते हुए, लेकिन उनका तीसरा आदमी लगभग 150 मीटर दूर जो है मोटरसाइकिल लिए तैयार खड़ा था, उस पर बैठ कर फरार हो गया। हापुड़ से जिला पंचायत अध्यक्ष ने रेखा नागर श्रीमती रेखा नागर वो आई थी दर्शन के लिए, उसके बाद जब वो जाने लगे तो उनका गनमैन गाड़ी के पास खड़ा था ASI का, अचानक 2 लड़के आए मेरे पूर्वंदे के पास और उनकी गन लेके फरार हो गए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने पीछा भी किया, लेकिन थोड़ी दूरी पर कोई बाइक खड़ी थी उस पर पहले से ही बाइक स्टार्ट की, तो उसको लेके फरार हो गए। उसके बाद थाने में सूचना मिली, हमने नाकाबंदी कराया आसपास के जिलों में हरियाणा में, अभी तक CCTV फुटेज वगैरह देखा।